हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिनों के बाद दोस्तों आप लोगों का वेलकम कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारा नया घर बन रहा था। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज हम देने वाले हैं कि वो सरप्राइज क्या है, हमारा वीडियो क्यों नहीं आ रहा था और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस वीडियो को जरूर देखना। तो गाइस, फिलहाल सबसे पहले घर का अपडेट देते हैं, इसके बाद वो सरप्राइज देंगे कि वो सरप्राइज आखिर क्या है। तो घर का अपडेट यही है कि पूरे घर में अभी प्लास्टर का काम जो हुआ है हो चुका है। आप देख सकते हो इधर पूरा घर में प्लास्टर वगैरह हो गया है, सिर्फ पेंट करना बाकी है। इधर देखो सारा चीज़ इधर कंप्लीट हो चुका है, पूरे घर में प्लास्टर हो गया है, अभी पेंट करना बाकी है। और अभी इसी तरह वीडियो बना रहा था और बस ऐसे ही चल रहा था। अभी लगभग 6 महीना से बस यूं ही लगातार वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे, रुक रुक करके कभी कभी वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा बहुत जल्द। घर में पेंटिंग भी हो जाएगा, जो भी होगा सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि हमारा वीडियो रेगुलर ना आने का एक ही कारण था, वो था लाइट। दोस्तों लाइट का बहुत ज़्यादा दिक्कत था, तो अब घर में हर जगह लाइट्स हो जाएंगे। ऊपर देखो कितने सारे लाइट्स के लिए जगह बना हुआ है, तो सारा लाइट्स। और सरप्राइज़ ये है कि कुछ कुछ सामान मैंने अपने वीडियो के लिए लिया है। ये वाला क्या है, इतने बड़े बॉक्स में आप लोगों को ये भी दिखाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखो 4-5 डब्बा क्या लाए हैं खरीद करके। ये क्या है पता है, ये वाला है दोस्तों वायर, देख सकते हैं एंकर कंपनी का वायर है। तो इसका बहुत सारा तार लगेगा घर में पूरा वायरिंग करने के लिए, अंडरग्राउंड वायरिंग होगा दोस्तों पूरे घर में। देखो यहाँ बोर्ड लगा हुआ इस तरह से, तो पूरे घर में ये तार लगेंगे। 3-4 पैकेट तार तो आए हैं, और भी तार लाना पड़ेगा। और ये है गाइस हमारा नया ट्राईपॉड, पुराना वाला ट्राईपॉड तो टूट गया है, इसके अंचर पंचर ढीले हो गए हैं। तो नया ट्राईपॉड हमने ख़रीदा है डिजीटेक का, तो इसको भी आप लोगों को दिखाएंगे अनबॉक्स करके कि कैसा है नहीं है। और रील्स वगैरह बनाने के लिए ट्राईपॉड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था मुझे, तो मैंने ले लिया। तो आप लोग बताना कि क्या मैंने सही किया या नहीं किया। तो क्या आप लोग इस ट्राईपॉड को देखना चाहोगे कितना बड़ा है नहीं बड़ा है, तो रील्स अब डेली आएगा, इंस्टाग्राम में भी वीडियो भी आएगा, यूट्यूब पे। तो देखो गाइस ट्राईपॉड का बॉक्स कुछ इस तरह है, इसको अभी अनबॉक्स करेंगे। काफ़ी बड़ा है और काफ़ी महंगा भी है, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये वाला ट्राईपॉड तो टूट गया है दोस्तों, चलिए इसको खोलते हैं। चलिए हम इसको पहले यहाँ पर सेटअप करते हैं फ़ोन को, इसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस ट्राईपॉड तो आ चुका है, चलो अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। तो ये कुछ ट्राईपॉड है, इसका एक बैग भी दिया है, इस बैग को हम ऐसे टंग करके ले भी जा सकते हैं, और इस तरह से ले जाने का है। काफ़ी अच्छा कैरी बैग दिया है, इस तरह से ले जाने में काफ़ी सुविधा होगा। इस पर एक चेन भी दिया देखो, और इसके अंदर है भाई हमारा नया वाला ट्राईपॉड, देखिए कुछ इस तरह से निकल रहा है। ये अनबॉक्स हो गया दोस्तों, देखो काफ़ी हैवी है, काफ़ी भारी भी है। तो कुछ इस तरह से है हमारा नया ट्राईपॉड, जो कि देखने में काफ़ी अमेजिंग लुक है इसका। तो गाइस ये काफ़ी बड़ा है, इसका हैंडल भी दिया है, देखिए इस तरह कर सकते हैं हम। और ये इसका स्टैंड है, देखो 3 पैर हो जाएगा, तो काफ़ी लंबा है ये। अभी और खोलेगा इसको करेंगे तो और ऊँचा, यानी मेरा जितना हाइट है दोस्तों 5.5 फीट, उससे भी ज़्यादा ये हो सकता है, इसको 7 फीट तक हम ऊंचा कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा है देखने में, और क्वालिटी भी बहुत अच्छा है दोस्तों। ये है नया ट्राईपॉड, जो कि कैसा लगा आप लोगों को बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी अरुण सेटअप कर रहा है ट्राईपॉड को, देखो